ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आपकी ज़िंदगी का, हो सकता है कि ऐसा सवाल आपने कभी ना सुना हो, ना देखा हो, ना किसी ने आपसे पूछा हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ, वो ये है कि आपने कभी अपने पड़ोसियों से शक्कर, चीनी, अदरक, दूध, दही मांगा है? मांगा है जी, जब मैं मांगा, एक्चुअली में मांगा, मैं जब अकेला रहता था, बॉम्बे नया नया आया था, और जब मेरी विनी से शादी नहीं हुई थी, तब मैं कभी भी रात को जब लेट आता था शूट से, तो मेरे पास कई बार चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए दूध नहीं होता था, तो मैं साथ वाली आंटी का दरवाज़ा खटखटाता था, टिंग टोंग, नॉक नॉक, दूध है, दूध है, दूध है, आंटी थोड़ी चीनी भी देता हूँ। तो मतलब आपका स्केड्यूल कैसा रहता है, मतलब सुबह सुबह उठ के, मतलब सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि धीरज ऊपर सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? धीरज ऊपर सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज़, आजकल अगर आप पूछेंगे तो मैं अपने बेटे की शक्ल देखता हूं। ओह सो स्वीट, हाय सुभानअल्लाह। मैं दिन की शुरुआत उसी से करना चाहता हूँ कि मैं उसे देखूँ, अपनी वाइफ की शक्ल देखूँ और दिन अच्छा जाए मेरा। तो ये सवाल है कि आपके जूते कितने के हैं? ये एक्चुअली मुश्किल सवाल है, पता है ये? आप बता सकती हैं? Yes. मतलब मैं मन्नत हूँ, तो मैं ऐसे छोटी मोटी चीजें नहीं पहनती हूँ। अरे वाह, अ वेरी बिगड़ी हुई बच्ची। तो आई थिंक कुछ 5-6 हज़ार। बहुत बढ़िया। तो ये जो बिगड़ी हुई बच्ची है, इसने कभी, जैसे होता ना, हम सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ पे हम ऐसे टमाटर प्याज खरीदते हैं, कभी आपने सब्जी मंडी में जाके टमाटर प्याज खरीदे हैं? देखो सीरत ने खरीदे हैं, पर मन्नत से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ नहीं खरीदे। आपने कभी अपने पड़ोसियों से शक्कर, चीनी मांगी है? मैंने अदरक मांगी है। मैंने शक्कर, दूध कुछ नहीं, मैंने अदरक मांगी है, क्योंकि मैं बिना अदरक की चाय नहीं पी सकती। और मेरे घर में अक्सर मेरी मेड ये करती है, मैं उसे बोलती हूँ बेटा इतनी हो तब बता दो, नहीं वो खत्म, दीदी खत्म हो गई, मैं कहा अब जा ले क्या, कहती आप ले आओ ना, फिर देन आई हैव टू गो, आज थोड़ी अदरक मिलेगी क्या? क्या आपने अपने पड़ोसियों से कभी भी शक्कर, चीनी मांगी है? जब दिल्ली में हुआ करते थे ना, तब ऐसी नौबत आया करती थी। ये बड़ी दिल्ली वाली क्वालिटी है ये, क्योंकि बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो वहाँ पर होता है एक कटोरी चम्मच ले आ सामने वाले से, बड़ा एम्बेरसमेंट सा फील होता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े होते गए, हमें ऐसा लगा हमारा तो हक बनता है उनकी चीनी पे, उनके नमक पे। फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता, लेकिन बॉम्बे में कोई किसी की घंटी वंटी नहीं बजाता मेरे ख्याल से यहाँ पे। एंड अभी मेरे ख्याल से, तो जब से होम डिलीवरी वगैरह का चक्कर शुरू हुआ है, तो आदमी यही सोचता है 15-20 मिनट वाला वेट कर लो, नीचे जनरल स्टोर वाला तो दे ही जाएगा। अभी वैसा वाला अपनापन, वो ये वो, खिड़कियाँ खोल खोल के एक दूसरे को सब्जियाँ देना, जी आज वो आलू गोभी बनी है हमारे घर पे ले लो, आज राजमा है, वो वाला चला गया अभी मेरे ख्याल से, वो सब टाइम इज गॉन, कन्वीनियंट हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे रूटीन रिलेटेड, आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? उबासी लेता हूँ। माने उबासी लड़ाई लेता हूँ एक बहुत जोर से, नहीं पता, मैं आजकल मैंने नई चीज शुरू करी है, मैं ना बेड से उछल के उठना शुरू करा मैंने, मतलब बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि ये पगलैट है, ये कैसी बातें कर रहा है, पर आप ट्राई करो एक बार ना, जंप करके उठो एंड सडन एनर्जी बर्स्ट आता है लाइफ में, जो नॉर्मल लोग, हम लोग जब, मैं भी यार इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, मैं हम उठते हैं सुबह हो गई, जाना है, ये करना है, वो करना है, आज का दिन पूरा दिन हमारे सामने आया था कि आज ये काम करना है, पर एक दिन जंप करके उठने की कोशिश करो, मतलब इट्स अ प्रोसेस, धीरे धीरे समझ आएगा, पर एक दिन ना झटके से उठ के देखो, पूरी सुबह बदल जाती है, पूरा माहौल बदल जाता है, और जिस तरह का कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ, जिस टाइप की इंडस्ट्री में हम हैं, हम तो एनर्जी का ही खा रहे हैं, है ना, मतलब माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मतलब ये टैलेंटेड इंसान, मैंने ना, आप वहाँ पे थे रेड कार्पेट में और मैं यहाँ पे थी, और मैं देख रही थी कि वहाँ पे ना आप इतने सारे लोगों को नचा रहे थे, लेकिन अगर आप हमारे रेड कार्पेट पे आए हैं तो हम भी आपको नचाए बगैर नहीं भेजेंगे, तो आपको तो मतलब मैं, हम मुझे बोल रहे थे बोल पे भी बोल तक की बात हो रही थी, नाचने की बात, पता है मैं नाच लेना, जितने लोग मेरे को पसंद करते हैं कहेंगे ये ऐसा डांस करता है क्या, मैं जेन्युइनली सिर्फ ढोल पे नाचता हूँ, मैं बाराती, वो जो होते हैं ना बाराती घोड़े, मैं वो हूँ, मैं बाराती डांसर हूँ। मुझे ढोल की आवाज क्यों आ रही है? मेरा नाचना क्यों निकल रहा है? स्ट्रीट शॉपिंग भी करती हैं आपने कभी? ऐसे होता ना जैसे मुंबई में है और स्ट्रीट शॉपिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और पहले तो बहुत थे, अब काफ़ी मॉल्स हैं, सो स्ट्रीट शॉपिंग वैसे कम होती है, पर आई थिंक हेयर बैंड लेने के लिए स्ट्रीट पे ही जाना पड़ता है, एंड आई एम श्योर कि जो गुड क्वालिटी हेयर बैंड्स ऑन, मतलब स्ट्रीट पे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं आई थिंक, तो आपने श्योर कि जो स्ट्रीट पे मज़ा है वो मॉल्स में नहीं, मॉल्स में नहीं है, हाँ आराम से निकाल सकते हैं। आई लव बार्गेनिंग, मैं तो वेजिटेबल वेंडर्स के साथ भी, नॉट दैट इट मेक्स एनी डिफरेंस, बट मुझे वो 5 रुपया कम करने में इतनी मज़ा आता है ना। तो आपने ऐसे जैसे होता ना कि आपने सब्जी, प्याज, कांधा, इन सब की मतलब शॉपिंग की है? की है मतलब करते ही हैं, बिकॉज घर चलाते हैं तो ऑब्वियसली, और अगर जाते हैं तो फिर हमें पता होता है कि ज़्यादा महंगा होता नहीं है, पर
फिर भी थोड़ा नेगोशिएशन करने में मजा आता है। वाह भैया, थोड़ा 5 रुपया कम नहीं करोगे? तो आजकल कांधा का भाव क्या चल रहा है? अरे दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि हर रोज कांधे का भाव क्या चल रहा है भैया? टमाटर से कम है, टमाटर से ज्यादा है? आई नो, 40 रुपीज पर किलो। किलो? हाँ, किलो। और अब क्योंकि यू नो यू गाइस आर सेड यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुंबई में तुर्भे स्टेशन कहाँ पर है? कौन सा तुर्भे? तुर्भे आई नो, आई नो, आई नो, टाउन में। आप मानेंगे नहीं, मैं ये सवाल कितने सारे लोगों से पूछ चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ आप दोनों ने ही इसका सही जवाब दिया है। मैंने आप दोनों ने मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुर्भे स्टेशन कहाँ पर है? तुर्भे नवी मुंबई। भाई मैं मुंबई की हूँ भाई, आपको पता है कितने सारे लोग? नाहूर पूछ लो। नाहूर, एक मिनट, नाहूर कहाँ पे है? नहीं नहीं बताना पड़ेगा। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये सवाल मैंने इतने सारे लोगों को, कांजूर मार्ग कहाँ है? सिर्फ आपने इसका जवाब। सैंडर्स रोड कहाँ पे है? ये तो पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने और किससे पूछ लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लेकिन सच में ये जो मतलब आपको सब आइडिया है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं ये सवाल मैं इतने सारे लोगों से पूछ चुकी हूँ और किसी के पास का जवाब नहीं था। सब कहते तुर्भे बहुत फेमस है। हाँ है, लेकिन आप भी बहुत फेमस है और आप दिमाग से बहुत फेमस है। अरे मुंबई की भूल गई मैं यार। स्ट्रीट में आप जाके आप कांदा खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, टमाटर खरीद रहे हैं, मिर्ची खरीद रहे हैं, तो आपने ऐसे कभी किए? अभी बस मैं एयरपोर्ट से आ रही थी, सुबह सुबह की मेरी फ्लाइट थी और मैंने देखा एकदम फ्रेश मम्मी एक पालक और वो कोथमीर जैसे ना गाड़ी से उतर था। आई टोल्ड माय ड्राइवर रुक जाके वो ले ले। सो आई कीप डूइंग दिस। आई सेड मैं शूटिंग से पैकअप करते करते भी बहुत सब्जियां उठाती। लगता है आज रात को पालक पनीर ही बनने वाला है। तो आपको पता है आजकल मैं ऐसे कांधा का भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है? भाव नहीं पता, आई जस्ट टेल देम ले लो। अब जो भी आई नो वन थिंग, टुडे मेरी बेटी को मूली के पराठे खाने थे तो मेरा सर्वेंट मुझे बोलता मैम 10 रुपए की एक मूली है, तो मैं लगता क्या करूं, तो ले लूं, आज तो लेना ही पड़ेगा उसको खाना है। अरे कोई ऑप्शन थोड़ी है, ऐसा होता कि सब पैक कर दो, पूरी 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 दुकान पैक कर दो, बेचारे उनको भी कमाने दो थोड़ा। ओहो मतलब मैम थोड़ी सी प्रिम एंड प्रॉपर है। तो इनसे एक और सवाल पूछते हैं मैम आपके, मैम जो ये सवाल है ना प्लीज पता चले बाद में मुझको डांट पिटो, ये सब हमारे राइटर्स की क्रिएटिविटी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि बाद में आप मुझे बोले। तो मुझे बोला गया ये सवाल आपसे पूछने के लिए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पहले मैंने कहा पहले डिस्क्लेमर पहले दे दूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जूते कितने के हैं? ये वाले जूते 6,000 रुपए के। अच्छा, लव इट, वेरी नाइस। तो आपने कभी ऐसे पड़ोसियों से ऐसे चीनी वीनी ऐसे मांग के कभी खाई वाई है? लॉकडाउन में खाई है। वाह, लॉकडाउन में ऐसा था कि यार दे दे मैं नीचे जाके ले आऊँगी, तो मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे। तो वो होता है, हाँ हम जब शूट करते हैं, तो जब मैं सिलवासा में शूट कर रही थी मेरे शो के लिए, तो मेरा घर मेरा जो रूम है वो किचन बन जाता है, तो मैं जाके स्पॉट बॉय से बोलती जरा शक्कर दे दे, जरा अदरक दे दे चाय बनाने के लिए। चाय की ब्रेक कि आपने कभी भी अपने पड़ोसी से चीनी दूध नमक मिर्ची मांगी है? नहीं, ऐसी नौबत आन नहीं पड़ी कि मैं हम नेबर को जाके बोलने के चीनी दूध या नमक दे दो, क्योंकि मैं इतनी ज़िंदगी में मेहनत करता हूँ और मेरी वाइफ इस बात को बहुत पसंद करती है। मैं मुझे लगता है क्राइसिस सिचुएशन कभी भी आ सकता है, तो घर में चीनी नमक चावल आटा थोड़ा बहुत पहले ही तैयार करके रखते हैं कि अगर कोई मुसीबत के समय आए। और वैसे हर हिंदुस्तानी, अगर आप देखें आपके घर में भी यही होगा, किसी के घर वाले से भी पूछ दो, वो क्राइसिस का वेट नहीं करते हैं, उनको लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नौबत आ जाए कि आपको नेबर से बात करनी पड़े, तो बहुत अच्छे नेबर्स होते हैं और हिंदुस्तानी तो बड़े प्यारे होते हैं, आपकी तकलीफ में सबसे ज़्यादा प्यार आपका नेबर ही देता है। बल्कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नेबर जो होता है, नेबर से बात चल रही है, नेबर जो होता है वो कौन होता है? वो आपके भाई बहन और परिवार से पहले सबसे पहला परिवार होता है वो आपका नेबर होता है। आप जिस जगह पर रहती हैं और जहाँ रहते हो, तो जो नेबर होता है वो आपका परिवार बन जाता है। जैसे आज हमारा जी रिश्ते अवार्ड्स में
हम सब एक दूसरे के ऐसे रहता है परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये प्लीज़ गौर फरमाना इस बात को कि कितने भी आपके भाई आपको प्यार करें, सभी लोग प्यार करें, लेकिन सबसे पहला परिवार होता है आपका नेबर। और अगर आप इस बात को समझ जाएं तो बहुत अच्छा। सर, आप जैसे होता ना कि रात को सोने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाना जाएंगे क्या? ये पूछिए, ये एकदम फैमिली शो है और मैंने एकदम सीधा सवाल पूछा कि यार बहुत मतलब ब्रश करते हैं, क्या करते हैं, मतलब सोचता है, प्लान बनाता है? मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ रात को। Meditation. 20 minutes. आपके इनके actual असली सवाल के जवाब बता सकती है, सब झूठ है। अरे कोई झूठ नहीं है, meditation is important and looking at the schedule. और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज क्या? मुझे पता है। मैं सबसे पहले जिम जाता हूँ, उठते ही जिम। मतलब दिमाग में रहता है जिम जाना है, उसके बाद शूट पे जाना है, तो प्लानिंग में टाइम। और मेरे ख्याल से एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी जो आप दोनों की, झूठ है, सब झूठ है, ये घर पे जाते ही सो जाता है इससे और कुछ नहीं होता, और ये सब सबसे पहले कॉफी पीते हैं उसके बाद इनसे कुछ हो पाता है। हाय, आई नो ही एंड हिज कॉफी इज। तो मैं आपसे, आप कौन? ओ आपकी तारीफ, ओ सॉरी, वो तो कोई नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि ऐसी तीन चीजें जिसके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलते। मेरा फोन, फोन का चार्जर, ऐसा सवाल होता है कि आप रात को सोने से पहले क्या करते हैं? रात को सोने से पहले मैं अपने जो नहीं करना चाहिए अपना फोन चेक करता हूँ, किसका क्या मैसेज आया है या किसी को मैसेज किया उसका रिप्लाई आया कि नहीं। ये बेसिक लड़के करते हैं रोज। उफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अब हाँ, अब ये जो मैं इसके आगे ब्रश भी करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, सो गुड, वेरी नाइस, सच अ गुड बॉय। वैसे मैं पूछ सकती थी कि किसके मैसेज का वेट करती हो, लेकिन मैं पूछूंगी नहीं, याद ही नहीं है जिन जिनको भेजा। लिस्ट इज टू लॉन्ग। वेट, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, डिस्क्लेमर। कौन सी तीन चीजें हैं जिसके बिना आप घर से बाहर ही नहीं निकलते? रूटीन वाइज पूछ रहे हो आप? तो मुझे मेरी मॉम से मिलना एक बहुत प्रायोरिटी होती है। ऐसा बहुत बार होता है यू नो दैट हम ओवर टाइम शूट करते हैं या कुछ भी हो, बट मेरा एक रूल रहता है कि कितना ही दूर हो सेट या कितना ही टाइम लग जाए, मुझे घर जाना है वापस। चाहे मैं अपने दोस्तों के घर रुकी हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम जस्ट सो दैट वेन द नेक्स्ट डे स्टार्ट्स मैं मॉम को देख कर उनसे दो मिनट बात करके फिर अपना दिन शुरू करूँ। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आई मीन ब्रशिंग एंड ऑल तो सबके उसमें आ ही जाता है, बट मुझे कॉफ़ी इज़ अ मस्ट। मेरा कुछ, माई बॉडी डज नॉट फंक्शन जब तक मेरे अंदर कॉफ़ी नहीं जाती। एंड या आई प्रिफर स्लीपिंग ऑन माई बेड, तो वो उस बेड से उठना। तो ये तीन चीज़ें हैं, मेरी माँ, मेरी कॉफ़ी और मेरा बिस्तर। तो सोने से पहले क्या करती है? एक होता ना सप्ताह, एक होता है कि मैं रात से सोने से पहले ये चीज़ करती हूँ, क्या है? पहले ऐसा होता था कि ऑफकोर्स मैं अपना पूरा एक दिन का रेंट अपनी मॉम से, अपने भाई से, अपने डैड से शेयर करती थी कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा ऐसा, मैं क्या करूँ, फलाना ढमकाना। एंड बट अब क्योंकि हम इतना ड्रेन हो जाते हैं शूट में, मैं आती हूँ, मेकअप निकालती हूँ, स्किन केयर करती हूँ और सो जाती हूँ, बस दैट इज इट। कि आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाती हैं तो कितने का करवाती हैं आप अपने फ़ोन का रिचार्ज? 399। ये 399 ही क्यों, 299 या 499 क्यों नहीं? वो पता नहीं, ऐसा लगता है एक्चुअली ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता डेटा पैक्स में आजकल। थैंक गॉड वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे आई थिंक इट्स द वन कंट्री जहाँ पे कॉलिंग्स और ये सब बहुत मिनिमम प्राइस पे, लेकिन 399 करके लगता है कि हाँ, मतलब पूरा मंथली तो लग रहा है, 299 थोड़ा कम लगता है। हाँ, है ना, 499 पे ज़्यादा लगता है। नहीं यार, ज़्यादा पैसे खर्च हो गए नहीं यार, 500 रुपये नहीं खर्च हो गए, परफेक्ट लगता है ना, इधर का ना उधर का, एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा बीच में। ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जिसके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलते, जो बैग में तो होनी होनी चाहिए? बेसिक तो नहीं बोलूंगी, फोन तो होता ही है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो यू नो शक्ति स्पेशल हो? मैं यूजुअली लाइक अभी मेरा एक रीसेंट ऑब्सेशन रहा है आई पैच, तो मैं अगर कहीं पे भी ट्रैवल करके जा रही हूँ, शूट पे जा रही हूँ, तो मैं वो कैरी कर लेती हूँ। 5 मिनट की भी नींद बहुत मतलब ऐसी लगती है ना कि क्या मिल गया मुझे। तो वो होता है, लिप बाम होता है एंड सनस्क्रीन होता है।
अच्छा तो मतलब वो सनस्क्रीन लगा के लिप बाम लगा के आई पैच पहन के तो ये आई पैच मतलब ऐसे जादुई आई पैच है कि मतलब गाड़ी में भी सो सकते हो, सेट पे भी सो सकते हो, चेयर पे भी सो सकते हो, दुनिया कहीं भी नहीं करती ना, है ना, बस मैं और मेरा आई पैच मैटर करता है। हाँ, मैं और मेरा अंधेरा। उफ, उफ, नहीं नहीं, आप जब आती हैं तो हर जगह उजाला आ जाता है। ये आपकी शक्ति है, ये शिव शक्ति है। थैंक यू सो मच शक्ति हमारे साथ बात करने के लिए। आप जाइए और खूब एंजॉय कीजिए जी रिश्ते अवार्ड। थैंक यू सो मच। ऐसी क्यूट और बबली रहिए आप और खिलखिलाती हुई हंसती रहिए। थैंक यू सो मच।